अनिल जी, शॉर्ट करना है जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स को। कैश में भी चल रहा है 482 के आसपास। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रूम हो सकता है कि 4-5 रुपए तक का एक पुल बैक आया 488-489 तक। तो मैं रिकमेंड करूँगा 494 का स्टॉप लॉस। और यहाँ पे जिस हिसाब से यू नो लास्ट 2-3 दिन का प्राइस एक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट है 473 का। जैसे ही वो टूटता है, मुझे लगता है 460 पहला टारगेट होना चाहिए जुबिलेंट फूड में। ओवरऑल मार्केट काफ़ी फ्रेजाइल है, बहुत नैरो रेंज में है। इतनी नैरो रेंज के अंदर जब मार्केट होता है तो एक बड़ा मूव किसी भी साइड आता है। मैं एस्टिमेट नहीं करना चाहूँगा किस साइड, लेकिन ये स्टॉक डेफिनेटली वीकर है इवन दो मार्केट जब ऊपर गया था। तो जुबिलेंट फूड को शॉर्ट करना है 494 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 460 का होगा, और अगर 460 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है 445 तक के लेवल हम देख सकते हैं। 460-445 दो टारगेट, स्टॉप लॉस आपका बनेगा 494 का। ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड में बेचने की राय।